विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्र के मद्देनजर दुल्हन की तरह शक्तिपीठ सज चुके हैं। 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं यह नवरात्र, 9 दिनों तक चलेंगे। नवरात्रों में मां ज्वाला के मंदिर को श्रद्धालु एमएल परिवार ने देसी विदेशी फूलों से कई प्रकार से मंदिर को सजाया है। वहीं लुधियाना के श्रद्धालुओं ने मां के मंदिर में रंग बिरंगी लाइट लगवाई है, जिससे मां का मंदिर भव्य रूप से सज गया है। ज्वाला जी मंदिर के मुख्य पुजारी कपिल शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ से ज्वालामुखी में मां ज्वाला की साक्षात ज्योतियां श्रद्धालुओं को दर्शन देती हैं एवं जो भी नवरात्र में मनोकामना मांगी जाती है उस मनोकामना को मां ज्वाला पूर्ण करती है। मां ज्वाला के आशीर्वाद से ही उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में किए गए हवन पाठ अनुष्ठान का कई गुना फल अन्य दिनों से ज्यादा मिलता है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 5 आरतियां होती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। विश्व में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी धाम जो है सर्वोपरि माना गया है। इस धाम में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियां साक्षात भक्तों को दर्शन देती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र में इन शक्तिपीठ में किए गए हवन यज्ञ पूजन का विशेष फल भक्तों को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मां ज्वाला देवी की पूजा आराधना से जो भी यहां पर वर मांगा जाता है वो भक्तों को मिलता है। यहां पर पूजा अर्चना दिन में 5 आरतियां मां ज्वाला जी की जाती हैं। उन 5 आरतियों में अलग अलग भोग लगाए जाते हैं जो और कई प्रकार से नाना प्रकार के भोग जो है लगते हैं। शुरू हो रहे तो हमने व्यवस्था करी है कि जो भी हमारे पास यहाँ श्रद्धालु आए या हिमाचल से यहाँ के जो लोकल लोग आएंगे उनको हम बेहतर व्यवस्था दे पाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लंगर में दोनों टाइम खाना मिलेगा। हमने जो मुंडन होंगे उनके लिए जगह चिन्हित कर दी है, कन्या पूजन के लिए जगह चिन्हित करी हुई है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए जो मंदिर प्रशासन है वो कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कमेटी वाले लगभग 20 लोग हायर करेंगे सफाई व्यवस्था के लिए एक्स्ट्रा। इसके अलावा मंदिर प्रशासन भी 50 लोग हायर करेगा सफाई व्यवस्था के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए भी हम लगभग 75 होमगार्ड के जवान जो हैं उनको इस दौरान हायर कर रहे हैं। तो हमारा कुल मिला के मोटिव यही है कि ये जो भी सारा मेला इवेंट है ये स्मूथली बीत जाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए उनको कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर जैसे बुजुर्गों और हैंडीकैप्स के लिए क्या एक तो हमारे पास यहाँ पे स्पेशल गेट है, तो अगर वो मंदिर प्रमाइस तक पहुँचते हैं तो उनको हम उस गेट से दर्शन करवा देते हैं। दूसरा हमारे पास व्हीलचेयर अवेलेबल है, पर वो व्हीलचेयर जो है वो मंदिर प्रमाइस में अवेलेबल होती है तो हम उनको व्हीलचेयर अवेलेबल करवा देते हैं। जी में शारदीय नवरात्र 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए जो है यहाँ मंदिर में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। रंग बिरंगी लाइटें लुधियाना से के श्रद्धालु जो है मंदिर में लगा रहे हैं और के शर्मा दिल्ली से यात्री हैं, उनकी जो फूल जो माता जी के दरबार में लगेंगे वो परिवार जो है यहाँ सेवा करवा रहे हैं नवरात्रों में। तो जब भी फूलों की तैयारी हो रही है, जगह जगह लाइटों की तैयारी अभी हो रही है, तो अब नवरात्र में जो है भगवती का दरबार खूब रंग बिरंगा होगा और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कब से कब तक चलेंगे ये नवरात्र? 29 तारीख से लेकर के ये जो है नवरात्र जो है 9 दिन तक चलेंगे। दर्शनों का क्या प्रावधान रहता है? दर्शनों में नवरात्रों में जो है कुछ 6वीं 7वीं 8वीं को जो है 24 घंटे जो नवरात्र में ये मंदिर खुला रहेगा यात्रियों के लिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।